हिसाब ही को नहीं मिल रहा है। हरी एक कट मर गया आया। हाँ वो माल पहुंचा है कि को नहीं? नहीं सेठ जी भूल गया। हाँ तो तेरा बापू आवेगा क्या भेजन ताई? भेज जल्दी। सारा दिन हराम में बैठा बैठा खिलाओ इन्होंने, काम नहीं करना है। साला ये हिसाब भी को नहीं मिल रहा है के करे हो ठाकुर जी महाराज, मेरे पति से छाटो को नहीं रहा है। ए हरी ए शर्मा जी के वहां से हिसाब आया के? अरे तो डूब मर जाए पानी में, हिसाब का नहीं खबर होता इसको। रोटियां दे दो बस इन्हें, खावे ढाबे और सो जावे। तो काम ही कौन करने देखी को फोन है। हाँ जी शर्मा जी बोलो। हाँ मालिक जी सी राम जी की इच्छा बताओ। सबरा जी घर आ रहे हो? हाँ आ जाओ। नहीं जी कोई तकलीफ को नहीं। अरे आपका घर है, जब मर्जी आओ। हाँ मैं थारे से पहले पोक जाऊँ तो चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल। अरे मारवाड़ी की जुबान है पलटे की थोड़ी, एकदम एकदम आज पहुँच जाते। हाँ मैं अभी पहुँच रहा हूँ, बस आप पहुँचो और आपकी पहली देखना मैं खड़ा हूँ एकदम आपके सामने। हाँ जी वेलकम करेंगे और क्यों। हाँ हाँ समझ गया मैं, सब सब तैयार है सब जी। आओ आ गया मुफत खोर, फिर रोटी तोड़न का आ गया। घर में खबर करनी पड़ी, आज घी थोड़ा कम ही गलवाऊँ। पहले तो इसको फोन करूँ, मेहमान देख के ज्यादा उतावली हो जाती है। हेलो अरे भाग्यवान सुन, आज शर्मा जी आ गया है। अरे हाँ हाँ वही जो ज्यादा खावा है, घी थोड़ा कम लगाई। अरे घरों खावा है वो। और हाँ सुन रोटी थोड़ी पतली बनाई चाहिए। सब्जी हाँ हाँ दो दिन पुरानी वाली है ना, कोई नहीं गरम करके डाल दी है, खा ले वो। ए आज बस डील पक्की हो जाए राम जी महाराज। इतना गरीब आदमी भगवान थे कृपा करो। अरे भाभी जी आओ आओ विराजो, आपने याद कर रहा था मैं तो कुछ दिन से। दर्शन को नहीं हो रहा आजकल आपका, आते ही नहीं आप तो साड़ी खरीदने। क्या बताऊं आपको भाभी जी, महंगाई घनी है, इस महंगाई में गरीब इंसान अपना कैसे गुजारा करे बताओ। ये सब घड़ी तो महंगी है। हाँ हाँ घड़ी नहीं जी, रेडो की है, ज्यादा सस्ती है। रेडो रेडो गोल्ड का है क्या? हाँ भाभी जी गोल्ड है पूरा 24 कैरेट है। अरे आपने क्या लागे कि मैं नकली थोड़ी पहनूंगा। और ये तो मैंने बाबा जी दिया है, बाबा जी की कृपा। देखो दुकान चल रहा है अभी यहीं। गाड़ियाँ तो है ना आपके पास? गाड़ी की तो पूछो ही मत, एक ही BMW है। अब बताओ घर में 5 जना एक BMW कहीं यहाँ चल रहा है, फिर भी चला रहे हो। करीबी भाभी जी करीबी के बताओ अपना। और बताओ कहीं आवड़ा हो गया साड़ी लेनी? अरे हरी भाभी जी की साड़ी उतार। ओ मेरा मतलब भाभी जी के लिए नई वाली साड़ी उतार, ठंडा लेगा कि गर्म? अरे काम कर, भाभी जी के लिए ठंडा गर्म दोनों ले आ, दोनों ले आ, ले आ ले आ। आई गया आ गया, बस दो मिनट बैठ जा। नाम फोड़ सारा दिन घर पे बैठ के पबजी पबजी करता रहे। बाप ने कभी जी बोलिया को नहीं, पबजी बोलेगा। फिर पापा का फोन आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। हाँ झूठ बोल देता हूँ कि ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, बुलाएंगे ही नहीं दुकान। हेलो क्या कहाँ है? हाँ पापा पापा मैं तो भी ट्यूशन के लिए निकल रहा था बस। हाँ मैं बस निकल ही चुका हूँ ट्यूशन के लिए। दुकान पे आ। जी पापा आ रहा हूँ। गुप्ता जी आपका ऑर्डर एकदम तैयार है, आप तो बस अपना निकाल के बैठ जाओ। अरे खाता हाँ हाँ बस अभी हिसाब करवा के भेज रहा हूँ मैं। अभी मेरा आदमी आपके वहाँ जाता होगा, बस वो जाके आपके लेनी शुरू कर देगा। अरे ऑर्डर हाँ हाँ मेरे को पता है। अरे गुप्ता जी महंगाई इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको ना 25 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ। हाँ बात कर रहा है, फोन रख दिया क्या? वही मैं बोलूँ मेरे सामने इतनी हिम्मत है किसी की दो बात गालियाँ कह के जाए? गाली कौन सी दी थी इसने, इंग्लिश में गाली दिया सारा।
रुक जा, छोड़े को फोन करता हूँ। हेलो, किधर है? हाँ दुकान पे आ। और सुन, ये स्काउंड्रेल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये सूथरी कामण है, इंग्लिश में ये वाली गाली देके गया है। रुक जा, ए तने नहीं बोला, रख फोन। कहाँ है? सो रहा था पापा जी। मैं पहुंच गया ना घर पे बेटे, तने इसी नींद सुलाऊंगा ना, भगवान भी तने नहीं उठा पाएगा। चुपचाप दोनों पैर चलाता हुआ बाइक ले और दुकान पे समझ गया। जल्दी आइए। पागल है क्या? तुझे किससे कह रहे? किसी से नहीं डरता तेरा भाई, चाहे किसी को भी बुला ले। हाँ। और क्या कहा तूने? पापा से ना, अब भी अगर तेरे को क्या लगता है मेरे पापा का फोन आ जाएगा, वो मेरे को बुला लेंगे तो मैं दुकान पे चला जाऊंगा? दिमाग खराब है तेरा? पापा ना मेरे को वैसे फोन नहीं करते। पापा का फोन? ए भाई चुप हो जा भाई, दो मिनट यार चुप हो जा। पापा का फोन है यार, दो मिनट चुप हो जा। कहाँ है पापा? मैं मंदिर जा रहा था। एक्चुअली मैं अभी बस मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंचा हूँ पापा, बस ये भगवान के दर्शन हो जाए, बस अभी पहुंची रहा हूँ मैं मंदिर। हाँ हाँ वो बाद में कर लेना, अभी दुकान पे आ, बहुत काम पड़ा है। ए तेरे को बता नहीं रहा हूँ, हाँ वार्निंग है ये, 5 मिनट के अंदर मेरे को तो दुकान में मिलना चाहिए, समझ रहे हैं क्या? 5 मिनट। हाँ आ जाता हूँ पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। अरे मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ वो तो पापा ने बुलाया है इसीलिए, वरना तेरा भाई किसी से नहीं डरता। सुबह से क्या क्या हो रहा है मेरे साथ ही भगवान, मैं ही क्यों, पता नहीं तुझे कौन फोन कर रहा है। पापा? हाँ पापा। हेलो किधर है? हाँ दुकान पे आ। मैं नहीं आ सकता दुकान, एक्सीडेंट हो गया पापा, हाथ टूट गया मेरा। हाँ। मैं आ ही नहीं पाऊंगा दुकान। कैसा जालिम बाप है, बेटे पे तो ही नहीं है इसको। और फिर दुकान जाओ। If you liked our video, do like, share, comment and don't forget to subscribe to our channel. Subscribe करके bell icon को दबा दे ताकि जब भी पहली video आए तो आपको सबसे पहले पता चले।